हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अनियन जूस बालों की ग्रोथ के लिए और बाकी हेयर प्रॉब्लम्स के लिए कितना ज़्यादा यूजफुल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसे प्रिपेयर करना सिखाऊंगी एंड इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी आपको बताऊंगी। इसके कुछ प्रिकॉशन भी है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो जल्दी से इसे प्रिपेयर करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 मीडियम साइज़ के अनियन। आप अनियन को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग। ध्यान रहे, आपको लाल प्याज ही लेना है। लाल प्याज जो होता है उसमें सल्फर पाया जाता है, यह एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है। तो आपको लाल प्याज ही लेना, वो सफ़ेद वाला प्याज नहीं लेना है। आपको प्याज को अच्छे से छील कर उसे मीडियम साइज में कट कर लेना ताकि ये आसानी से पिस जाए। कट करने के बाद आप इसे मिक्सर में डालें एंड अच्छे से इसका पेस्ट बना लें। ध्यान रहे, अगर इसमें पेस्ट बनने के बाद ऊपर थोड़ा सा पानी आए तो आपने इसे अच्छे से पीसा है, नहीं तो इसे दोबारा एक बार पीस लें। इसके बाद चाहिए आपको टी स्ट्रेनर यानी चाय छलनी। आप छलनी में इस पेस्ट को डालें एंड अच्छे से स्क्वीज करके इसका सारा जूस और पल्प अलग निकाल दें। जूस तो आपके लिए यूज़फुल है ही, आप इसके पल्प को भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर सब्ज़ी में डाल सकते हैं, इसे वेस्ट ना करें। आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा ईजी भी बना सकते हैं। वो कैसे, आप एक कॉटन का कपड़ा लें एंड उसमें सारे पेस्ट को डालें एंड उससे भी ये पल्प और जूस अलग हो जाएगा। उससे भी आपको वही फ़ायदा मिलेगा, जूस आपके काम आएगा एंड पल्प आप सब्ज़ी में डाल सकते हैं। अब ये जूस हमारे लिए रेडी टू यूज हो चुका है। अब इसे हम अपने हेयर में डालेंगे। उससे पहले आप इसे किसी बोतल में डाल लें, या तो स्प्रे बोतल में या पंप बोतल में, जो आपके पास हो आप उसमें डाल सकते हैं। नहीं तो आप एक कॉटन बॉल लेकर आप उससे भी अपने हेयर में इसे लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। आपको इस अनियन जूस को अप्लाई करने से पहले अपने बालों को अच्छे से डिटैंगल कर लेना है। डिटैंगल करने के 2 मेन रीज़न है। फर्स्ट ये कि अगर आप डिटैंगल अच्छे से करोगे तो ये जूस इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके हेयर में। सेकंड ये, अगर आप अच्छे से डिटैंगल करोगे, कॉम करोगे, तो आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, जिससे ये जूस अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा आपके स्कैल्प में, और जिससे ये डबल ट्रिपल बेनिफिट देगा आपको। बाय द वे, मैं यूज़ कर रही हूँ वुडन कॉम, ये कलर क्वीन का है। वुडन कॉम भी एक बेस्ट टूल है आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने में। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। वुडन कॉम बेस्ट होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली कॉम भी यूज कर सकते हैं। तो चलो इस अनियन जूस के थोड़े से बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। प्याज का रस जो होता है ना, उसमें रिच अमाउंट में सल्फर पाया जाता है, जिससे हेयर ब्रेकेज और थिन हेयर की प्रॉब्लम खत्म होती है। सल्फर इज मोर एसेंशियल फॉर हेयर। ये हेयर को बहुत बेनिफिट देता है। ये हेयर के फॉलिकल्स को रीग्रो करता है। अनियन जूस में मौजूद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी स्कैल्प के इन्फेक्शन को बचाने में असरदार है। इससे बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, जैसे बालों का टूटना, झड़ना, डैंड्रफ, दो मुए बाल, सभी के लिए प्याज का रस एक रामबाण इलाज है। इसमें रिच अमाउंट में सल्फर पाया जाता है, जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। पता है आपको, आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आ चुके हैं जो अनियन हेयर ऑयल, अनियन जूस, अनियन हेयर मास्क, अनियन शैम्पू, ब्ला 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 लेकर आ गए हैं। लेकिन जब हमारे घर में ही अनियन अवेलेबल है, तो हम क्यों अपने पैसे वेस्ट करें उन प्रोडक्ट को खरीदने में, जिनसे अनियन की बेनिफिट तो बहुत कम, केमिकल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेंगे। गाइज, अनियन जूस के कुछ और बेनिफिट्स बताऊं। जो हमारे हेयर लॉस होता है ना, वो स्कैल्प में इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन अनियन जूस में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो ये इन्फेक्शन से फाइट करता है और इन्फेक्शन को ठीक करता है, जिससे हेयर टूटना बंद हो जाते हैं और नए हेयर उगना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिससे प्री मेच्योर ग्रे हेयर यानी समय से पहले बालों का सफ़ेद होना इस प्रॉब्लम को भी ख़त्म करता है, इस प्रोसेस को भी रिवर्स कर देता है। ऐसा नहीं होगा कि 50-60 की एज में भी ये उस प्रोसेस को भी ये रिवर्स करेगा। 50-60 की एज में तो वो नेचुरल होता है। अगर अनियन जूस का रेगुलर यूज़ किया जाए तो यह बालों को शाइन भी प्रोवाइड करता है एंड बालों की जो वॉल्यूम होती है उसे भी इंक्रीज करता है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। तो यह स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी जड़ से ख़त्म कर देता है।
तो गाइज आपने देखा कि एक अकेला अनियन जूस, एक सिंगल रेमेडी कैसे आपके सारे बालों की प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करेगी, कैसे आपके बालों की प्रॉब्लम से फाइट करेगी। तो आपको इसको अच्छे से लगा लेना है, उसके बाद आपको शावर कैप पहन लेनी है। शावर कैप नहीं है तो कोई भी कैरी बैग ले, उससे अपने बालों को रैप कर लें, 5 से 6 आरके छोड़ दे। उसके बाद आपको कर लेना नॉर्मली हेयर वॉश, किसी भी शैम्पू से आप वॉश कर सकते हैं अपने बालों को। अब देख लेते इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है। इसका फर्स्ट प्रिकॉशन है, अगर आपको स्कैल्प में किसी भी प्रकार की कोई भी खुजली है, इन्फेक्शन है, अगर एलर्जी है, अगर आपको चोट लगी है, तो आप प्याज का रस यूज मत करना। इसका सेकंड प्रिकॉशन है, आपको इसे ज्यादा से ज्यादा वीक में सिर्फ 3 बार लगाना है। इसे ज्यादा लगाओगे तो सल्फर की अधिकता जलन का कारण बन सकती है। इसका थर्ड प्रिकॉशन है, आपको इसे 5 to 6 आवर तक ही रखना है। अगर आप इसे ओवरनाइट रखोगे या इसे ज्यादा देर तक रखोगे तो इसमें बैड बैक्टीरिया क्रिएट हो जाएंगे। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको इसके बेनिफिट्स भी, आपको इसके प्रिकॉशंस भी अच्छे से समझ आ गए हो। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।